अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि किसान अध्यादेश पूरे हिंदुस्तान में एक चिंगारी की भांति ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसी के बीच में कल को एक अजीबोगरीब हमें घटना हमारे सबके समक्ष आई कि हरियाणा के अंदर विधायक असीम गोयल, जो दो बार विधायक रहे हैं अंबाला शहर से, वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों के विरुद्ध ही धरना दे दिया। जब हमने उनसे बात की, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक अपनी सरकार की कार्यशैली के विरुद्ध, हम सरकार नहीं कहेंगे, कार्यशैली के विरुद्ध वो विधानसभा परिसर के बाहर बैठ गए। जब हमने उनसे बात की कि इसका क्या मैटर, क्या मामला क्या, तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए बैठा हूं कि मेरी मुख्यमंत्री से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ही मेरी गिला शिकवा कृषि मंत्री से है, लेकिन एक अधिकारी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ACS रैंक के, उनकी कार्य उनके प्रति व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई उनसे कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है उसके विरुद्ध में बैठा हूं। जब ये बात हुई पूरे हरियाणा के अंदर, ये उनके धरने की बात पूरे हरियाणा के अंदर एक चिंगारी की तरह फैल गई और विपक्ष भी हरकत में आ गया, और हरकत में आना ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ होते हैं, और हरियाणा के अंदर इस धरने से, चाहे विधायक ये कह रहे हो कि मेरी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुख्यमंत्री से गिला शिकवा नहीं है, और मेरा किसी भी अपने मंत्री से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन उनका धरने पे बैठना ये दर्शा रहा है कि हरियाणा के अंदर विधान पालिका और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर है, ये उन्होंने संकेत दे ही दिए हैं। और जब इसके बारे में जैसे ही धरने में बैठे और हमने ACS हैं जो उनसे बात की, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं वो एक पॉलिटिकल पर्सन है, मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हमें जो दिशा निर्देश मिलते हैं हम उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम असीम गोयल जी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं जो मेरे एरिया में किसानों की दिक्कतें हैं, आरतियों की दिक्कतें हैं, उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही, वो परेशान हो रहे हैं, और उसके विरोध में मैं बैठा हूँ कि उनको कोई दिक्कतें ना आए। जैसे ये बात सभी के समक्ष आई तो हमारी अर्थ प्रकाश टीम, जैसे आपको पता है कि अर्थ प्रकाश टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, और उन्होंने हमारे रिपोर्टर अंबाला शहर के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, हम देखना चाहते थे कि उनके धरने का इम्पैक्ट उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन किसानों के प्रति वो बैठे हैं उनके ऊपर क्या था। तो हमारे अर्थ प्रकाश के रिपोर्टर लोकेश मेहता जी अंबाला कैंट से और मनजीत कौर अंबाला शहर से वो हरकत में आ गए, और वो ग्राउंड लेवल तक वो मंडियों में भी गए, और वहाँ के जो पोलिटिकल लीडर्स हैं अंबाला शहर, अंबाला कैंट के, कि उनका क्या व्यूज था इस धरने के प्रति वो भी उन्होंने बताया, लोगों ने बताया, किसानों ने बताया, अपनी दिक्कतें बताई, और यहाँ तक कि देखने में आया कि विपक्ष ने, जो चित्रा सरवारा है अंबाला से, उन्होंने ये कह दिया कि असीम गोयल अगर धरना देना चाहती हैं पहले MLA पद से इस्तीफा दें, और उन्होंने उसके अलावा और जो भी किसान भाई थे उन्होंने कहा था कि वो धरने पे तो बैठे हैं, लेकिन हमें ये तो बताया कि जो तीन अध्यादेश हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं कि उसके पक्ष में है, ये भी स्टैंड बताएं। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी में हरकत आ गई, नरेश शर्मा जो MLA हैं, उन्होंने फरीदाबाद से, उन्होंने भी अपने विचार दिए। इस तरह से हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी कल एक घटनाक्रम हुआ। अब ये बात यहाँ पर देखने हुआ कि आने वाले दिनों में बहुत, अगर हम 2-3 महीने पीछे भी जाएं तो अक्सर विधायकों की शिकायतें आती हैं कि हमारे अधिकारी काम बात नहीं सुन रहे, हमारे फोन तक नहीं उठाए जा रहे। तो सभी MLO ने अपना दुखड़ा विधानसभा स्पीकर के पास रोया, और उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये 2-3 महीने की बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि सभी MLO की कम से कम बात तो सुनी जाए, उनको उचित मान सम्मान दिया जाए, और उसके बाद ये घटनाक्रम होता है। इससे आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री के की कार्य, मुख्यमंत्री की जो समझदारी होगी वो बहुत बड़ी यहाँ पर काउंट करेगी, क्योंकि इस मैटर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री, और एक बात आपको कहना चाहेंगे कि ACS अफसर ने ये कहा है कि जो भी पॉलिसी बनी थी वो हमारे कृषि मंत्री को भी पता है और मुख्यमंत्री को भी पता, उनकी नॉलेज में लेकर हम काम कर रहे हैं, और हम सुचारू रूप से जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उसके तहत हम काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखना होगा कि मुख्यमंत्री को जब ये बात पता चली कि मुख्यमंत्री का क्या रोल होगा, अगर मुख्यमंत्री अपने विधायक की बात रखता है तो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव में, इसका मतलब विधायक ठीक हुआ और एग्जीक्यूटिव में ये कि एग्जीक्यूटिव यहां पर ठीक नहीं चल रही, अगर वो ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ये सारी बातें मेरी नॉलेज में थी, इसका मतलब विधायक
का ये धरना ये कहां पर स्टैंड करेगा, ये आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के किस तरह से वो सॉल्व करेंगे, ये भी मैटर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जहाँ तक कि इस धरने का ग्राउंड लेवल पर किसानों पर अंबाला शहर, अंबाला कैंट जिस हलके से अंबाला शहर से असीम गोयल बिलोंग करते हैं, एमएलए बनकर आए दूसरी बार, वहां के लोगों ने ये इस धरने को किस दृष्टि से देखा, ये हमारे जो रिपोर्टर, दोनों रिपोर्टर थे मंजीत कौर और लोकेश मेहता, इन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर यहां तक कि मंडियों में उसी मंडियों में जाकर वहां पे आरती एसोसिएशन के प्रधानों से बात की, लीडरों से बात की कि इनका क्या इम्पैक्ट है, वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन आपको अगर आप इस जो कल का घटनाक्रम है उसको बेखूबी समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि हरियाणा में क्या हो रहा है। और एक बात फाइनल है, ये बात चाहे आज मैं फिर द्वार से दोहरा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जैसे लोगों ने बताया, जैसे एमएलए अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और विधान पालिका के बीच में ठीक नहीं चल रहा, और आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री को पहल करनी पड़ेगी कि इस तरह के मैटर ना हो। सरकार के खिलाफ नहीं बैठा हूँ, एक अधिकारी की ईगो के खिलाफ बैठा हूँ, एक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ बैठा हूँ। सरकार ने इतनी जनप्रिय नीतियाँ बनाई, उन जनप्रिय नीतियों को एक अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धत्ता बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है, किसान साथी शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है, आज वो उस सोने को बेचने के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उसे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलते हैं उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूँ कि मैं 5 लाख लोगों का बैठा हुआ वकील हूँ, मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे हल्के को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान व्यापारी मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इसका मतलब है कि अफसर सही हावी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा, कहीं अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की, कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं मंडियों की व्यवस्था, आपने मुख्यमंत्री से बात नहीं किस बारे में? देखिए सब चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की और सबको संज्ञान में भी हैं, वो जनप्रिय नीतियों को लागू करने की तो बात करते हैं। सुनिए सर, सुनिए सुनिए, आपने मुख्यमंत्री से बात की होगी, मुख्यमंत्री जी से बताई होगी, क्योंकि देखिए एक अफसर को लगाने में सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सबको कई बार अधिकारी, कई बार वो चीज़ें एक दूसरा पहलू, हर एक व्यापारी को चोर बताता है, कई चीज़ें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पे बैठ के न्याय नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मंडियों की व्यवस्था वो ठीक करे, अपनी गलती माने, जो उसने ईगो अपनी ऊपर कर रखी है पॉलिसियों से ऊपर, अपनी ईगो को दूर करके, मेरा उस अधिकारी से भी व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, वो मंडियों की व्यवस्था ठीक कर दे, मैं उसके साथ हूँ। नमस्कार, आज अंबाला सिटी के विधायक असीम गोयल जी ने चंडीगढ़ में एक खाली विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन दिया है, और कहने को ये धरना प्रदर्शन किसानों के हित में है, लेकिन उन्होंने निशाने पर अपनी सरकार को, जिसने ये कानून बनाए हैं, लागू करे हैं, अपने चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को, अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर या किसी को नहीं लिया। उन्होंने इतने बड़े धरने प्रदर्शन का जो ये अपना एक आज मैं कहूँगी स्वांग रचा है, इसके निशाने पर लिया है मात्र एक अधिकारी को, मानो उन्हीं ने सारी नीति बनाई हो और उन्हीं ने नीति लागू करी। आज असीम गोयल जी का ये जो शो है, मैं कहूँगी ये हास्यास्पद भी है और दुखद भी है। असीम गोयल जी ने इतने महीनों से हम पूछना चाहेंगे कहाँ थे। किसान जब मंडियों में झीरी उठाने के लिए रो रहा था, किसान जब धरने प्रदर्शन कर रहा था, किसान के अलग अलग जगहों पे यूनियंस और टीम्स ने अलग अलग तरह से अपना रोष और अपनी जो है शिकायत दर्ज करने की कोशिश करी, तब असीम जी कहाँ थे। असीम जी का अब तक तो ये रहा कि ये जो कानून है ये किसानों के फायदे के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलता स्वरूप है, किसानों की संगठित होती शक्ति है, और अपने ही इलाके में चौधरी निर्मल सिंह जी और एचडीएफ के द्वारा दिए गए वो जोरदार प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन और ज्ञापन से कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सत्ता और अपना जो जमीन है खिसकती महसूस हो रही है। मित्रों नमस्कार, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद। आज आप सबके समक्ष चंडीगढ़ में मैंने खबर पढ़ी
हमारी कमेटी के चेयरमैन और साथी विधायक धरने पे बैठे हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इन अध्यादेशों से किसान का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और अगर जो किसान का नुकसान नहीं हो रहा, तो ये विधायक किसके समर्थन में बैठे हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी हैरानी हुई सार्वजनिक जीवन में। परसों मुझे भी मेरी विधानसभा के किसानों के बाजरे की खरीद से संबंधित एक शिकायत मिली। मैंने माननीय DC साहब से बात करी, SDM बल्लमगढ़, SDM फरीदाबाद दोनों से बात करी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात करी, क्योंकि कुछ गांव मेरी विधानसभा के SDM बल्लमगढ़ के पास थे, कुछ SDM भड़कल के पास थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सरकार में जरा सी भी नैतिकता बची है तो तुरंत इनको गद्दी छोड़नी चाहिए आज की तारीख में। और ये जो विधायक साथी हमारे भाई अफसरों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, शायद ये भूल जाते हैं, ये कानून अफसरों ने नहीं बनाए, ये कानून हम नेताओं ने बनाए हैं। मैं हरदम कहता हूँ, इस देश में हम सफेद कपड़े वाले सुधर जाएं तो अपराध तो छोड़ो, हवा नहीं चल सकती। हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं हम सफेद कपड़े वाले दोषी हैं। आज हरियाणा के अंदर ऐसे ईमानदार कर्मठ अफसरों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आज अभी कुछ चैनल्स के माध्यम से पता लगा कि अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल जी अनाज मंडियों में किसान भाइयों की, मजदूरों की और व्यापारियों की हो रही दुर्दशा के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बड़ी हंसी आई उनका ये रूप देखकर। अभी कुछ दिन पहले तो विधायक जी ये जो 4 काले कानून भाजपा ने बनाए हैं उसका प्रचार प्रसार करने में व्यस्त थे, किसानों के भले के लिए कह रहे थे कि किसानों के भले के लिए हैं। और आज अब धरने पे बैठकर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनको पता लग गया है कि अब ये फील्ड में नहीं जा पाएंगे, किसान मजदूर व्यापारी इनके खिलाफ हो गए हैं। अगर ये गांव में जाएंगे तो लोग इनका बुरा व्यवहार करेंगे, कुछ गांव में तो इनके पोस्टर्स के साथ भी मुंह काले कर दिए गए पोस्टर्स पे। तो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं विधायक जी, उंगली कटा के शहीद ना होइए। मेरी आपसे सलाह है मेरी आपको कि अगर आपके मन में सच्ची अगर दुख है तो आप इस्तीफा दीजिए विधानसभा से, गवर्नर साहब को इस्तीफा भेजिए, स्पीकर को इस्तीफा भेजिए और लिखिए कि वापस नहीं लूंगा मैं, तो पता लगेगा आपके मन में सच्चाई है, कुर्बानी है आपकी, और हम भी आपके जज्बे को सलाम करेंगे। आप अपना इस्तीफा देकर यहां आएंगे लोगों के बीच में तो समझ आएगा कि विधायक असीम गोयल के दिल में दर्द है। ऐसे नकली ड्रामे करने का कोई लाभ नहीं। अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल द्वारा आज जो ये ड्रामा विधानसभा में हरियाणा सिविल सचिवालय में रचा गया है, वो गवाह है इस बात का कि इस सरकार से, इस सरकार का कोई माई बाप नहीं है। ये सरकार नकारा सरकार है, ये किसानों पे, व्यापारियों पे और मजदूरों पे जो जुल्म ढा रही है उसको जो है कोई सुनवाई नहीं है। मैं लेकिन हैरान हूं कि विधायक जी ये क्या ड्रामेबाजी करी है आपने, PK दास के साथ आपने मनोहर लाल खट्टर जी का नाम भी लिखना चाहिए था। आज अम्बाला शहर से BJP के विधायक श्री असीम गोयल जी ने विधानसभा के बाहर मात्र कुछ टाइम के लिए सांकेतिक धरना दिया और कहा कि श्री PK दास जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तानाशाही प्रयोग करके मंडियों में दुर्व्यवस्था बना कर रखेंगे। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि उंगली कटा के शहीद ना होए। अगर आप किसान मजदूर और व्यापारी के सही मायने में हितैषी हैं तो विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा दे के किसान के साथ मंडियों में, मजदूर के साथ सड़कों में और व्यापारी के साथ बाजारों में आके धरने पर बैठिए, तो आप पता लगेगा कि आप किसान मजदूर व्यापारी के हितैषी हैं। और जहाँ तक श्री PK दास जी की बात है, PK दास जी निहायत ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो सरकार की मर्जी के बगैर तो नहीं कर रहे। अब उनकी मैंने स्टेटमेंट देखी, उन्होंने बोला कि सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार पैसे, धान की फसल के पैसे किसान और आढ़तियों के खाते में जा रहे हैं। अगर कोई गलती है तो सरकार की नीतियों की है। श्री PK दास जी अपने लेवल पे तो कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब है सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी कैसे इसको समझें? एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसानों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, मंडियां बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक असीम गोयल मंडी की व्यवस्था के ऊपर धरने पे बैठे हैं।
जी आज क्या समस्याएं आई थी आपको गेट पास को लेकर? आज सवेरे से तो ठीक चल रहा था और 11:30 बजे मैडम आई है मार्केट कमेटी की अपना, तो वो आन के अपना सेक्रेटरी उन्होंने कह दिया आने का मैं भी मैसेज जिसका आया हुआ उसके गेट पास पर, जिसके पास मैसेज नहीं आया उसके गेट पास बंद कर दो। जबकि कल बात हुई थी बेनीवाल आए थे उन्होंने भी कहा था भी इसकी समस्या दूर करेंगे और समस्या दूर हो भी गई थी। सवेरे से 11 बजे तक ठीक ठाक चल रहा था काम और हमें लग गया था भी मैसेज के बिना ही काम चल रहा है। मैसेज जब सवेरे से कंप्यूटर का चल रहा था तो ऐसा क्या सेक्रेटरी साहब को तकलीफ हो गई थी या दर्द हो गया था भी ये बंद कर दो मैसेज वाला? जी जी हल्के के जो हैं वो विधायक जो हैं वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं किसानों की समस्या को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? वो तो मतलब कि मैं उनको कहना चाहता हूँ भी जब इतने दिन से जो पीके दास के खिलाफ बोलना था या किसानों के हक में बोलना था जब कहाँ सूर्य था, जब अनिल विज भी बकवास करता था कि लाठीचार्ज नहीं होती, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये कहाँ किसानों का है सारा प्रोग्राम? हम कह रहे हैं किसानों का है, किसानों का हम किसान अब ऐसे नहीं रहे जो पहले किसान थे, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हो गए, युवा पूरे पढ़े लिखे हो गए, युवा तो रोजगार तो कोई है नहीं, अब युवा को एक ही अपना रोजगार दिख रहा है, पूरी छिन्नियाँ काम कर रहे थे अध्यादेश जान कर, इसीलिए आज ये ढोंग कर रहा है क्योंकि इसका कल 2-3 प्रोग्राम थे हल्के में आने के विधायक जी के, और वहाँ इसका विरोध करने के लिए हमारे जो युवा बच्चे हैं या युवा गांव के किसान साथी हैं उन्होंने पहले ही हमारा मन बना रखा था कि विधायक को किसी गांव में एंट्री करनी नहीं देनी कहीं भी, इसीलिए इसने अपनी जान बचाने के लिए अब ये ढोंग कर रहा। जी आपका नाम? विजेंद्र कंबोज। जी आज जो है विधायक जो है धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे उस बारे? वैसे कहने के लिए तो बचाई क्या है, अब तो सब कुछ लुटा के सोच रहा है मैं किसी तरह पॉपुलर हो जाऊं पब्लिक के अंदर। नौटंकी है बिल्कुल कोरी नौटंकी। चलो फिर भी धन्यवाद देंगे अगर कुछ वहां से हासिल कर गए, कुछ नहीं होगा। बड़े शर्म की बात है, हमें तो ये नहीं समझ आती ये MLA है पीके दास एक कर्मचारी है चाहे वो अच्छी पोस्ट पर है, अरे तू उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तू उसको ऑर्डर दे अपनी सरकार में मजबूती दिखा, अपनी पार्ले अपने विधानसभा में मजबूती दिखा, तू अपने हेड से कहो मुख्यमंत्री से भी ऐसे अफसर किस लिए रख रखे हैं जिनको हमें समझाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े? कहाँ देखे हैं कि एक मालिक नौकर के आगे प्रोटेस्ट करेगा तू मेरे खाते में ऐसे काम, मेरे खेत में ऐसे काम या कर, मेरे घर में ऐसे काम कर? कहीं देखे हैं? उल्टी गंगा पहाड़ को जा रही है, सारे काम ही उल्टे हैं, अध्यादेश उल्टे हैं हमारे लिए किसानों के लिए। ये नौटंकी करनी है ऊपर से करते आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं इतनी बड़ी नौटंकी करने में, सभी अपने उनको जो नीचे हैं सबको सिखा दिया भी नौटंकी कैसे करनी है, उसके बाद पब्लिक को धोखा कैसे देना है, इनको बेवकूफ कैसे बनाना है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।